भगोड़े अमृतपाल सिंह की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। वो लंदन जाने की फिराक में थी, लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले ही उसे हिरासत में ले लिया गया। अभी अमृतपाल सिंह की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के खिलाफ देश भर में वैसे तो कोई FIR दर्ज नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया है, जिसके तहत फरार आरोपियों के परिवार और उसके जानने वालों से पूछताछ की जाती है। किरणदीप के बारे में 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ। अमृतपाल और किरणदीप की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए से हुई थी। किरणदीप और उसका पूरा परिवार ब्रिटेन में रहने लगे थे, हालांकि वो मूलतः जालंधर जिले के गाँव कुल्लर की रहने वाली है, लेकिन अब उस गाँव में फिलहाल उसके परिवार का कोई नहीं रहता। 10 फरवरी को अमृतपाल सिंह ने ब्रिटेन के NRI किरणदीप कौर से शादी की थी। दोनों की शादी अमृतसर के पास अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में की गई थी। शादी में किसी को भी फोटोज क्लिक करने की परमिशन नहीं थी। अगर कोई उसकी फोटो क्लिक करना भी चाहता है तो वो उसकी पत्नी की तस्वीर पीछे से ले सकता था, सामने से फेस क्लिक करने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि किरणदीप कौर का रिकॉर्ड खराब रहा है। वो अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा के संपर्क में थी और अपने पति अमृतपाल सिंह की अध्यक्षता वाली संगठन वारिस पंजाब दे उसके लिए धन का मैनेजमेंट और अरेंजमेंट करती थी, यानी फाइनेंस का अरेंजमेंट करती थी। यहां तक कि वो 2020 में UK में पुलिस के रडार पर आ गई थी।